Good morning, everyone. So today is Bengali New Year and Shubho Nobo Varsho Apnade Shobaike. Happy Bengali New Year to all of you. Now, some people might be thinking, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं बंगाली हूँ बट मेरे हस्बैंड बंगाली नहीं है, ही कम्स फ्रॉम अ डिफरेंट कम्युनिटी. सो मेरी शादी जो है डिफरेंट कम्युनिटी में हो गई है, अलग कम्युनिटी में हो गई है, तो मैं जो है अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करना बंद कर दूँ. बट आई एम सॉरी अबाउट दैट. इस तरीके की चीज़ें हमारे बीच नहीं है सिंस हमारी लव मैरिज है. तो हमने पहले ही सारी डिस्कशंस हमने कर लिया था आपस में, सारा हमने क्लियर कर लिया था कि वील एक्सेप्ट ईच अदर फुल्ली एंड होल हार्टेडली, विच मीन्स हम जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, हम अपना ओरिजिन और अपने अपने जो भी रीति जिसमें हम बिलीव करते हैं, जिसको हम साथ में सेलिब्रेट करना चाहते हैं, वो हम करेंगे. एंड उसमें हम किसी भी तरीके का जो है एक इस तरीके का बिहेवियर नहीं दिखाएंगे एक दूसरे के लिए कि तुम अपना ये जो है सेलिब्रेट नहीं कर सकते, या फिर शादी के बाद सरनेम चेंज करना पड़ेगा. तो इस टाइप की जो है चीज़ें हमारे बीच नहीं है. एंड टुडे वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट आवर फर्स्ट बंगाली न्यू ईयर आफ्टर मैरिज. सो आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड क्योंकि हमने धनतेरस भी सेलिब्रेट किया था. अगर आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं और मेरे पहले के वीडियोस देखा हुआ है तो आप लोगों को ये भी दिखेगा कि हमने दुर्गा पूजा भी सेलिब्रेट किया था, हमने दिवाली भी मनाई थी, हमने धनतेरस भी किया था. बट बेसिकली जो है बंगाली न्यू ईयर पे गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है. और धनतेरस में भी देखिए ऑलमोस्ट सेम सेम चीज़ें ही है, बस टाइम और इसका फ़र्क है. और अगर घर की सुख शांति के लिए आप दो बार गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा कर देंगे एक साल में, मतलब डेली तो हर कोई करता ही है, बट अगर दो बार ही और कर देंगे एक्स्ट्रा, तो उसमें कुछ आई थिंक गलत नहीं है, या फिर उससे कुछ बहुत ज़्यादा किसी का वो नहीं हो रहा है, नेगेटिव नहीं हो रही है. Rather brings positivity in your life and for your family, for those who believe in God, and for those who don't, then they are totally a different group of people who have another kind of mindset, and I really don't have any problem with them. I respect them too. And तो चलिए अभी जो है जल्दी जल्दी सारी चीज़ की तैयारी करते हैं. आज जो है mainly गणेश जी लक्ष्मी जी की पूजा तो हम करते ही हैं, but एक दिन पहले जो है नीलेर पूजो बोलते हैं उसको, नील षष्ठी बोलते हैं, उसमें जो है शिव जी की पूजा होती है. तो बचपन से मम्मी को यही करते हुए देखा था. एंड यूजुअली वो कोई भी कर सकता है, पूजा तो हर कोई कर सकता है, जिसके भी मन में जो है भक्ति हो और वो पूजा करना चाहता है वो कर सकता है, या फीमेल मेल इसमें कोई आई रियली डोंट थिंक, मतलब मैं पर्सनली ऐसे कोई नियम मैं फॉलो नहीं करती हूँ, ना तो मैं बिलीव करती हूँ. बट मम्मी को यही बोलते हुए सुना है कि मैरिड वीमेन करती है एंड दे डू इट फॉर देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के वेलबींग के लिए करते हैं, भलाई के लिए करते हैं. बट ठीक है, मतलब पूजा करने में कोई दिक्कत नहीं है एंड आई एम मैरिड नाउ, सो आई विल नॉट लीव दैट चांस. तो अभी जाके जो है पूजा की तैयारी करेंगे. बट उससे भी पहले एक और चीज़ हम करते हैं आज के दिन, वो है साफ़ सफाई. साफ़ सफाई हम पूरे साल भर तो करते ही हैं, बट आज के दिन जो है स्पेशली अलग से, मतलब साफ़ सफाई करके जो है किचन, बेडरूम, हॉल, जो भी पूरे घर में आपके है उसको साफ़ सफाई करके जो है नई बेडशीट यूज़ किया जाता है, नए कपड़े पहने जाते हैं. तो ये सब हम करेंगे और उसके लिए काफ़ी टाइम चाहिए, तो जल्दी 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 भागेंगे और सारा काम करेंगे. लेट्स बिगिन. अब मैं दिखाती हूँ कि पूजा करने के लिए मैंने क्या क्या आइटम्स जो है पहले इकट्ठा किया है. सो सबसे पहले मेरे पास है ये प्लेट्स, ऐसे मेरे पास चार प्लेट्स है इस तरीके के, बट मैं इसमें से यूज़ करूँगी तीन. एक में मैं डालूँगी पूड़ी हलवा जो मैं अपने हाथों से बनाऊँगी भगवान जी के लिए प्रसाद में, और एक में मैं डालूँगी मिठाई, और दूसरे में तीसरे में मैं डालूँगी फ्रूट्स.
तो जिसमें मैं पूड़ी और हलवा डालूंगी, उसके साथ मेरे पास है इस तरीके की कटोरी एंड उसके साथ ये चम्मच भी है, तो वो हम लोग यूज़ करेंगे। और जो चौथा प्लेट है उसको मैं आरती करने के लिए यूज़ करूंगी, तो उसमें मैं क्या क्या सजाऊंगी उस प्लेट पे वो जब मैं करूंगी तब आप लोगों को दिखा दूंगी। इसके अलावा क्या क्या फ्लावर्स मैंने लिए हैं पूजा के लिए, तो ऑब्वियसली शिव जी की पूजा है तो बेल पत्ता इज़ मस्ट, वी ऑल नो दैट। जो भी पूजा करते हैं डेली बेसिस पे या ओकेशंस पे या अपने घर पे मंदिर पे सबको ये पता है। तो उसके साथ और मैंने लिया है कुछ फ्लावर्स, तो ये सामने गार्डन में जो होता है मैंने उसी से थोड़ा थोड़ा सा ले लिया है। एंड उससे पहले मैंने सोचा था कि मैं माला बनाऊंगी, बट अभी थोड़ा लैक ऑफ टाइम है तो मैं जल्दी जल्दी जो है चीज़ें रेडी कर देती हूँ एंड आप लोगों को दिखाती हूँ कौन से फ्लावर्स मैं लेके आई। तो ये मैंने कहा था बेल पत्ता लाने के लिए, और मेरे हस्बैंड देखिए ये पूरा उठा के ले आए हैं तो इसमें से मैं छांट लूँगी जो ये तीन वाले, तीन पत्ते वाले ये है ना, इसको यूज़ करना पड़ता है एज़ फार एज़ आई नो, एंड कुछ गलत बोल रही हूँ तो उसके लिए सॉरी। और ये फ्लावर्स भी, ये फ्लावर्स मैं लेके आई थी, ये इस तरीके के जो भी गार्डन में हुआ था मैं थोड़ा बहुत वहाँ से लेके आई, क्योंकि यहाँ काफ़ी जो है लंबा और ब्रॉड एरिया में स्प्रेड किया हुआ गार्डन है तो बहुत सारे फूल होते रहते हैं यहाँ पे। ये है शिव जी का जो मैं डेली बेसिस पे पूजा करती हूँ वो मूर्ति, और इसको मैं ले आई थी पूजा चढ़ा के। अगर आप लोगों ने मेरा ऋषिकेश वाला व्लॉग देखा है तो वहाँ मैंने पूजा चढ़ा के जो है ये मैं लेके आई थी, तो इसी को आज मैं पूजा करूँगी और इसी आइडल को। और बाकी ये मेरे डेली बेसिस पे, ये तो सबको पता ही है जो लोग भी व्लॉग फॉलो करते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो ये मेरा छोटा सा घर का मंदिर है, इसी में मैं पूजा करती हूँ हर दिन। तो बाकी भगवान को भी जो है फ्लावर्स दे के डेकोरेट करके और पूजा करूँगी। अभी यहाँ पे मुझे सेटअप करनी है चीज़ों को। तो पूजा का सामान जो है उसको तैयार करने से पहले मैं सोच रही हूँ कि पहले हलवा और पूड़ी बना लेती हूँ, फिर एक बार में जो है आराम से और फ्रेश होके, क्योंकि मैं खाना बनाऊँगी तो काफ़ी गर्मी है अभी, तो मुझे मुझे फिर से फ्रेश होना पड़ेगा, तो वो करके फिर एक बार में पूजा की तैयारी करके पूजा मैं कर दूंगी। यही मैं सोच रही हूँ, तो अभी जल्दी जल्दी जो है पूरी बना लेती हूँ और हलवा बना लेती हूँ। ऑलमोस्ट तैयार हो गई है और मैं इस हाथ से कर रही हूँ, क्योंकि इस हाथ में मैंने जो है मैदा वो किया हुआ है, डफ बनाया हुआ है मैदे का, तो ये हाथ मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो सूजी अभी बन रही है एंड ऑलमोस्ट बन गई है, उसके बाद पूड़ी बनाएंगे जल्दी जल्दी। तो ये बन के तैयार है हमारा हलवा, और इसमें मैंने डाल दिया है काजू आमंड्स, तो ये भोग में अभी चढ़ाएंगे। तो झाड़ू लगाना तो हो गया एंड थोड़ी देर में आई एम थिंकिंग कि मैं पोछा भी लगा दूंगी, बट बहुत हेक्टिक हो जाएगा वीडियो बनाना पोछा लगाना एक साथ, वो उसका मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी। तो डेली बेसिस पे यहाँ पे जो है झाड़ू पोछा डस्टिंग सबके लिए हमारे पास हेल्प करने के लिए लोग तो यहाँ पे है ही, बट आज के दिन मुझे लगा कि मैं अपने घर को अपने हाथों से क्लीन करूँ, तो काफ़ी थक गई हूँ पोछा लगा के और सब कुछ करके, तो मैं नहा के जो है फ्रेश हो गई हूँ।
तो यहाँ मेरी पूजा कंप्लीट हो चुकी है। अब भगवान जी को थोड़ी देर के लिए खाना खाने देते हैं और उसके बाद मैं जो है अपना खाना खाऊंगी। वैसे तो मैं खाली पेट मतलब उस तरीके से व्रत नहीं रखती हूँ क्योंकि मुझसे नहीं हो पाता है, बट मैंने सॉल्टेड कुछ नहीं खाया है। ये मेरा अपना बिलीफ है, ऐसी कोई बात नहीं है, आप खाना खा के भी पूजा कर सकते हैं। सो सॉल्टेड चीज़ें मैंने नहीं खाई है और आज पूजा तक मैंने ये अपने आप को प्रॉमिस किया था कि मैं सॉल्टेड चीज़ें नहीं खाऊंगी, तो अभी लंच के लिए जो भोग चढ़ाया है उसी को खा लूंगी। जो नील षष्ठी होता है उसमें पूजा ही मेन चीज थी, और आगे जो है कल है चरक का मेला लगता है, पूजा होती है, और उसके नेक्स्ट दिन जो होता है वो है बंगाली न्यू ईयर। तो मैं लिए तो जो है हम लोग अपना डेली शेड्यूल्ड रूटीन फॉलो करेंगे। बाकी यहाँ पे मैंने प्रसाद रख दिया है इस तरीके से। अभी दो लोग आने वाले हैं जो हमें यहाँ पे काम में मदद करते हैं, तो वो आने वाले हैं, उनके लिए मैंने जो भी मैंने भोग पे चढ़ाया था मैंने वो सब प्रसाद जो है उनके लिए रख दिया है। जैसे ही वो आएंगे उनको मैं खिला दूँगी, और जो भी हमारे कार को ड्राइव करते हैं उनके लिए मैंने पूजा करने के बाद ही मैंने जो है डब्बे में भिजवा दिया था। सो प्रसाद बांटना अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि जब भी मैं कोई भोग चढ़ाती हूँ या इस तरीके से पूजा करती हूँ, कोई भी चीज़ जो है वेस्ट नहीं होता है। कोई ना कोई जो है वो घर पे कभी गेस्ट आ जाते हैं, कभी कोई हेल्प करने आ जाते हैं, तो वो उनको जो है प्रसाद मिल जाती है एंड फूड भी वेस्ट नहीं होता है। सो आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखते हैं क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। एंड उसके नेक्स्ट दिन जो है मेन फेस्टिवल जो है न्यू ईयर, उसमें जो है आम के पत्ते लगाए जाते हैं, तो वो भी मैंने मंगवाया है। देखिए किस तरीके से होती है चीज़ें, और नया बेडशीट भी हम लोग परसों ही लगाएंगे।